नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सरूर मिलता है। जो भी आता है मेरी माता रानी के द्वार, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम नवरात्र है, माँ शैलपुत्री आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से ही हमें ना रात 8 बजे आपके लिए वही है एस्टेट के लिए दोबारा से क्लासें शुरू कर रहे हैं। एस्टेट हो चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे नया सीईटी हो, उसके लिए आज रात 8 बजे से आपकी क्लासें शुरू हो रही है। और कोई भी काम करो, जय माँ सरस्वती जय शनि जी महाराज का नाम लेकर किया करो। बच्चे पूछ रहे हैं सर, नई एक मतलब मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि 5,000 के आसपास है ना नई जो JBT की भर्ती रेस्ट ऑफ हरियाणा आएगी, उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर भी बात करेंगे। अभी एस्टेट है आपका दिसंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एस्टेट होने वाला है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो ये एस्टेट है ना, वैसे आप कहीं से भी तैयारी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट लिस्ट हमें क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन, और आपको भी आपके सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। नेगेटिविटी से दूर हो रहकर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। सरकार कोई भी हो, अभी है ना युवा क्या हो चुका है, जागरूक हो चुका है, उसको टाइमली भर्ती है ना करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी पीछे देखा होगा आपने, लास्ट के जो टाइम पीरियड था ना HSSC का, उसमें बहुत ज़्यादा केस हुए, उससे पहले आज तक हमने इतने केस है नहीं सुने थे। युवा दिन व दिन जागरूक हो गया, हर बंदे को कोर्ट की नॉलेज हो गई है। तो आपसे कहूँगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है तैयारी कीजिए। दुनिया नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। कोई कहेगा कि सरकार है ना चाहे सेम हो गई तो भी भर्ती लंबी लटकेगी, नई हो सरकार आई तो वो भर्ती को कैंसिल कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप तैयारी कीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में है ना, उस पर आप वर्क कीजिए, मेहनत अपने हाथ में है। तो JBT की ना रेस्ट ऑफ हरियाणा है ना, इलेक्शन के तुरंत बाद भर्ती आएगी। सभी पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट बेटा है ना, अभी इलेक्शन कमीशन से ना क्या नहीं मिली है रिजल्ट की, इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट की मंजूरी नहीं मिली है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तो नहीं मिली है। अगर रिजल्ट है ना घोषित हुआ तो बेटा मतलब ये 4 तारीख यानी आज रात को, तो क्योंकि जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है ना उसका भी लिंक भी है ना एक्सटेंड कर दिया गया है पोस्ट प्रेफरेंस का 3 दिसंबर रात तक को। तो रिजल्ट आने की एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर 4 को नहीं आया ना तो उसके बाद रिजल्ट का थोड़ा और हमें इंतजार करना पड़ेगा। दोनों ही है ना नेता पक्ष और विपक्ष, यानी अभी तक है ना जो दोनों ही पार्टियां हैं जो मतलब जिनकी उम्मीद है सरकार बनने कि दोनों कह रहे हैं कि हम है ना इन बच्चों को तुरंत ज्वाइनिंग देंगे। तो मान के चलिए आपका ना एक इस पर भी पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कुछ उम्मीद है, ठीक है। अगर कोई कहे कि ये मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसका फायदा लेने चाहेगी तो कुछ उम्मीद है 4 दिसंबर को, लेकिन ना कोर्ट किसी के हिसाब से नहीं चलता, इसीलिए कहता हूं आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा रिजल्ट में टाइम लग सकता है। 4 को नहीं आया तो फिर 9-10 को आपका रिजल्ट है घोषित हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली नहीं है। JBT की रेस्ट ऑफ हरियाणा की बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि मेवात केडर में अगर आपको लगभग 1500 के आसपास भर्तियों की जरूरत है तो पूरे हरियाणा में तो ओबीएस ही बात है जरूरत है। तो ये भी भर्ती लगभग आपको देखने को, ज्यादा तो नहीं कहता लगभग है ना, ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की अगर मैं बात करूं आप मान के चलो 3,000-1,000 के आसपास है, 3,000-4,000 भर्ती देखने को मिलेगी। TGT है ना, पहले वालों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है तो TGT की भी लगभग 5,000-6,000 भर्ती हमें देखने को मिलेगी। PGT की भी बहुत बड़ी भर्ती इंतजार कर रही है, हरियाणा पुलिस है सर ये 5,600 पोस्टें हैं। तो टेंशन मत लेना बेटा, अभी ये री एड और भी चीज़ें होगी। और आपसे कहना चाहता हूँ जिसने CET नहीं दिया हुआ ना वो भी टेंशन मत लो, अभी अपनी क्या कर दो तैयारी शुरू कर दो। कहाँ से तैयारी करते हो ये मैटर नहीं करता, आप अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दो। और बाद में ना
बहुत सी ऐसी भर्ती है जैसे शायद सब इंस्पेक्टर है ना, उसको भी टीजीटी से, ये जो आपका सीईटी से बाहर रखा गया है। नया सीईटी अगर होगा भी ना, तो इसमें बहुत से मतलब बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे क्वालिफाई नेचर का, जैसे राजस्थान में सीईटी को क्वालिफाई नेचर का करके लिया गया, तो बहुत से बदलाव देखने को होंगे। अभी से अपनी तैयारी करके आप रखिए बेटा, 2024 है ना, ये पूरा होते होते ना आपको बहुत से आपसे अभी एग्जाम में लिया जाने की उम्मीद रहेगी। नया सीईटी ये कह रहे हैं नवंबर में लेंगे, दिसंबर में, चलो जनवरी फरवरी में होगा, तो आज से तैयारी करोगे ना तभी आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे छोटे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस है ना नेगेटिविटी के माहौल में खो मत जाना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करना। जब आपके अध्यापक पॉजिटिव हो सकते हैं, रात 8 बजे से हम क्लास लेंगे, तो आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो। एसटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक नंबर दे देता हूँ, 7478-4007। इस पे सीटेट का भी बेटा बेच शुरू हो गया, एसटेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, पीआरटी का, जो कॉमन 90 नंबर का पेपर शुरू हो गया। इस नंबर पर ना मिनिमम फीस में आप है ना 3 महीने की रिचार्ज वाली फीस में आप है तैयारी कर सकते हो। पूरे हरियाणा की बेस्ट टीम आपको पढ़ाएगी, जो आपने देखी भी होगी, आपकी जेवीटी की मैराथन क्लास आपको करवाई थी, तो बहुत अच्छे से हम आपको मिलकर तैयारी करवाएंगे। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट आपका होगा ना, तो आप पर नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे देखा होगा आपने अभी एस्टेट का है ना, इसकी पढ़ाई है ना नवंबर में शुरू करेंगे, बोला एस्टेट है ना, इसके जब फॉर्म भरे जाएंगे ना गुरु जी, तब तैयारी शुरू करेंगे। तब बेटा कह रहा हूँ, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन है ना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये टाइम मांगती है। आज से तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, मिलकर तैयारी करेंगे, और माँ सरस्वती और माता रानी आपको मंजिल तक है जरूर पहुंचाएंगी। मिल के मेहनत करेंगे तो आप मंजिल को भी पा लेंगे। तो रात 8 बजे लाइव मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे कहना चाहता हूँ, दोबारा है ना जो इस का भी हौसला डाउन हुआ था, दोबारा खड़े होते हैं, योद्धा की निशानी होती है, वो एक बार गिरता है और गिर कर दोबारा खड़ा हो जाता है। तो माता रानी शनि महाराज आपको मनोकामना पूर्ण करे, रात को 8 बजे आज दोबारा लाइव सेशन में हमें मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।